हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के न्यू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत यूजफुल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका फंक्शन का नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर। एग्जैक्टली सॉर्ट एंड फिल्टर हम लोग लार्ज डेटा में यूज़ करते हैं। जब हम लोग को बड़े डेटा में से कोई भी छोटा डेटा निकालना होता है, तब हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलर हम लोग को अगर कोई डेटा चाहिए, तब हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। सॉर्ट का एग्जैक्टली सॉर्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को डेटा में से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को डेटा चाहिए या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको डेटा चाहिए, तब हम लोग सॉर्ट का यूज करते हैं। और फिल्टर का यूज तब हम लोग करते हैं जब हम लोग पर्टिकुलर क्राइटेरिया से डेटा को निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने शीट में आ जाते हैं। शीट में हम लोगों ने एक टेबल लिया हुआ है। टेबल हम लोग का स्मॉल टेबल है, जिसमें 8 कॉलम दिए हुए हैं, 7 कॉलम्स हैं सॉरी। इस 7 कॉलम्स में जो है एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, एज है, डेट ऑफ जॉइनिंग है एंड स्टेटस है। इस 7 कॉलम का हमारे पास डेटा है। और सॉर्ट एंड फिल्टरिंग हमेशा कॉलम बेस होती है, तो हम लोग कॉलम बेस उसको करके आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे किस तरह से होता है। अब सॉर्ट एंड फिल्टर कहाँ पे होता है एग्जैक्टली एक्सेल में, वो होम टैब में होता है। आप सबसे पहले होम टैब में जाएंगे। होम टैब में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉर्ट करके देखेंगे डेटा को कि इस तरह से हम लोगों ने सॉर्ट, उसके लिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि किस तरह से हम लोग जो है सॉर्टिंग करेंगे। तो जैसे कि सॉर्टिंग के लिए हम लोगों ने कुछ टास्क लिए हैं, 3 टास्क है, जिसमें पहला है कि सॉर्ट द एम्प्लॉय बाय सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एग्जैक्टली क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो छोटे से बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सैलरी को हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर के कॉलम को हमको सिलेक्ट करना है एंड सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये हम लोग का फिल्टर हो गया। फिल्टर होने से ऊपर का कॉलम हमारा फिल्टर हो चुका है। अब हम लोग इस डेटा में फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग दोनों कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सॉर्ट द एम्प्लॉय बाय सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी करनी है, तो हम लोग सैलरी में जाएंगे और यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा है उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। और सबसे ऊपर में हम लोग देखते हैं कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो हम लोग को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही करना है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। सेकंड होता है कि सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एग्जैक्टली है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। और अदर भी सॉर्ट बाई कलर भी है, तो कस्टम सॉर्ट वगैरह है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आते हैं। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी हो गई है। अब देख सकते हैं हम लोग कि सबसे कम अनिल कुमार 101 जो एम्प्लॉय आईडी है उसकी 45,000 सैलरी है, और सबसे ज्यादा 105,75,000 जयश्री एम की सैलरी है। तो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टिंग हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड टास्क हमारा है कि सॉर्ट द एम्प्लॉय बाय डेट ऑफ जॉइनिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको डेट ऑफ जॉइनिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम से छोटा क्रम, मतलब कि बड़े से छोटे में जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे। इसका मतलब कि जो सबसे पहले ज्वाइन किया है उसको हम लोग को सबसे ऊपर रखना है, और जो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है उसको हमको सबसे लास्ट में रखना है। तो हम लोग डेट ऑफ ज्वाइन में जाएंगे और इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सॉर्ट न्यूएस्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ओके, तो हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। सॉरी, हम लोग न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करेंगे, तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। हम लोग इसमें ऑप्शन न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट में लिए हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे बाद में जो ज्वाइन किया है, अब्दुल बारी देख रहे हैं आपने ज्वाइन किया है 2022 में, और वो फिर ईयर घटता चला गया है 2021-20-19-17 में, शैलजा 104 एम्प्लॉय नंबर ने 2017 में ज्वाइन किया है। तो ये हम लोग का सेकंड टास्क करके हम लोग देख लिए हैं। तो कितना इजी है सॉर्टिंग, और ये लार्ज डेटा में हमको कितना यूजफुल रहेगा वो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा सा डेटा है। एंड देन एक और टास्क देख लेते हैं, सॉर्ट द एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। अब हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज जो है सॉर्ट करें। तो हम लोग कैसे करेंगे, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा वहां पे, तो जहां पे टेक्स्ट है वहां पे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा। ओके, एंड जहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहां पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आएगा, मतलब ये डेट है, डेट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आएगा। और सैलरी आपको नंबर्स में आएगी, एंड डिपार्टमेंट में आप आएंगे तो आपको क्या देगा, टेक्स्ट में देगा ये, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए।
तो आप अगर चाहते हैं कि हम लोग शॉर्ट ए टू जेड करना चाहते हैं डिपार्टमेंट, तो आप देख सकते हैं कि एचआर का पहले शॉर्टिंग हो गया है, फिर आईटी डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम लोग के पास लार्ज ह्यूज डेटा है, तो हम लोग आराम से शॉर्टिंग कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जो हमको लगता है कि आप लोग को सच्चाई समझ में शॉर्टिंग आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो काइंडली क्वेश्चन कर लीजिएगा नीचे कमेंट्स में। अब आते हैं फिल्टरिंग में। एग्जैक्टली फिल्टरिंग है क्या? फिल्टर एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोग जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि जिसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि जिसका एज 25 से कम हो या जिसका एज 25 से ज्यादा हो। मान लीजिए हम लोग डेटा ऐसा चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज 25 साल से कम का हो वो जानना चाहते हैं, 25 नहीं 30 मान लीजिए, 30 से कम का हो वो जानना चाहते हैं, और या जो 40 से ऊपर का हो वो जानना चाहते हैं। तो वो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं क्या? फिल्टरिंग से। एक क्राइटेरिया हो गया, तो उसमें भी हम लोगों ने तीन टास्क रखे हैं, उस तीन टास्क के अकॉर्डिंगली ही हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग का टास्क क्या है कि फिल्टर एम्प्लॉई हुआ इन आईटी डिपार्टमेंट। अब हम लोग के पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है, हम लोग चाहते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि 1000 डेटा है, 1000 डेटा है, उसमें हम लोग को आईटी डिपार्टमेंट निकालना है। डिपार्टमेंट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट ऑल है नीचे में, सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे। ओके, हमको अनचेक कर देना है और ओनली आईटी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। आईटी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए ओनली आईटी डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है उसको हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्राइटेरिया बेस पे हम लोगों ने फिल्टरिंग कर लिया है इस टेबल का। उसी तरीके से फिल्टर एम्प्लॉय हुआ एक्टिव। अब हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग देख लेते हैं सारे डिपार्टमेंट को, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लिया एंड देन ओके कर लिया, तो सारे डिपार्टमेंट आ गए। देन अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि फिल्टर एम्प्लॉय हुआ एक्टिव, तो हम लोग स्टेटस में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल को अनचेक करते हैं और एक्टिव एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं एंड देन ओके करते हैं। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि सारे एक्टिव एम्प्लॉयज आ गए, सारे इनएक्टिव एम्प्लॉयज इसमें हिडन हो गया, मतलब कि छुप गया, नहीं दिख रहे हैं। एक्टिव एम्प्लॉयज का हम लोग को पता चल गया। तो अगर 1000-2000 डेटा होगा तो कितना आसानी से हम लोग इसको फिल्टर करके देख सकते हैं कि कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। तीसरा हम लोग का है, फिर से हम लोग इसको एक्टिव इनएक्टिव कर देते हैं, इनएक्टिव को भी चेक कर दिया, फिर टेबल हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग टास्क नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिल्टर एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 55। तो 55,000 से जिसकी ज्यादा सैलरी है उसको हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सैलरी में जाएंगे। ओके, सैलरी में जाकर के हम लोग नंबर फिल्टर्स में चले जाएंगे। नंबर फिल्टर्स में चले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, सैलरी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग 55,000 लिखेंगे। 55,000 करने के बाद हम लोग ओके करेंगे, तो देखिए 55,000 से जिसकी जिसकी सैलरी ज्यादा है वो सारे यहाँ पे डेटा में आ गए, और जिसकी 55,000 से कम है वो हिडन हो गए, छुप गए, इस टेबल में नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टरिंग का यूज करते हैं। एंड देन इस तरह से सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग कस्टम फिल्टरिंग एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज कस्टम फिल्टरिंग। ये एक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग इस पर एक वीडियो बनाएंगे बाद में। तो टास्क 7 हम लोग का है, कस्टम फिल्टरिंग क्या है कि हम लोग फिल्टरिंग करते हैं कस्टम। कस्टम मतलब कि अपने हिसाब से हम लोग इसको फॉर्मेट को चेंज करके क्या हम लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा फुल ले लेते हैं, सैलरी सिलेक्ट सारा कर लेते हैं, तो डेटा हमारा पूरा आ गया। अब हम लोग कस्टम फिल्टरिंग का क्वेश्चन देखते हैं कि फिल्टर एम्प्लॉयज हु आर ओल्डर देन 30 इयर्स एंड एक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक्टिव भी है और 30 इयर्स से ओल्डर है, तो हम लोग को सबसे पहले एक्टिव सिलेक्ट कर लेना है इसमें। ठीक है, एक्टिव हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया एंड देन ओल्डर देन 30 इयर्स। तो एज में जाकर के नंबर फिल्टर्स में लगाकर ग्रेटर देन यहां पे 30 हम लोगों ने ले लिया, 30 इयर्स, तो ये हमारा डेटा आ गया कि जो एक्टिव है 30 इयर्स से ज्यादा का है। तो हम लोग का ये डेटा, ये हम लोग का शॉर्ट टेबल है, लॉन्ग टेबल में हम लोग को बहुत हेल्पफुल होता है लार्ज टेबल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कॉलेजेस में भी या स्कूल्स में भी इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं तो हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे टेबल्स में काफ़ी वैल्यू, टेबल्स में बहुत सारे हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, डेटा सेट्स रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ईजी हो जाता है जब हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करते हैं इस तरह से कस्टम फिल्टरिंग का, तो डेटा हम लोग को एक्सट्रैक्ट करने में ईजी हो जाता है लार्ज डेटा में। तो ये हम लोग का हो गया। फिर से हम लोग नेक्स्ट टास्क में जाएंगे, उससे पहले हम लोग सारा सिलेक्ट कर ले रहे हैं और टेबल को पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, जो भी हम लोग का टेबल है।
ये हम लोग का टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फिल्टर एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड बिटवीन 1120 एंड 31/12/21। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में है हमारा, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम जाएंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जाने के बाद डेट फिल्टर्स में जाएंगे, और डेट फिल्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इक्वल्स है, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो। तो हम लोग को बिटवीन में जाना होगा, बिटवीन में जाएंगे। बिटवीन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे डेट दे देंगे कौन सा है, 1120। तो हम लोग यहाँ पे 1120 ले लेते हैं, वेट 1120 यहाँ पे हम लोग 1120 ले लेते हैं, ओके। एंड देन 31/12/21, नेक्स्ट हम लोग का 31/12/21 हो जाता है, तो 31/12/21 में आ जाते हैं हम लोग, 23, देन 31/12/21, ओके सेलेक्ट करते हैं हम लोग। और ये देखिए, ये डेटा हम लोग के सामने फिल्टर होकर के आ गया कि जो इंप्लॉय ज्वाइन किए हैं 1/1/2020 और 31/12/2021 के बीच में, वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कस्टम फिल्टरिंग का यूज करते हैं, और लास्ट डेटा में हमको बहुत यूजफुल होता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।